बारे में कुछ पता है कि जब ड्रेसिंग रूम में होते हैं टेम्परमेंट क्या है उनका, क्या अलग बात है इनमें? ऋषभ पंत का बारे में क्या बोल रहे हैं, तो हम उनको ओवरसीज खिलाते हैं क्योंकि वो मैच विनर है और वो दिखा दिया है वापस ये सीरीज में कैसे क्रिकेट खेले हैं। जब वो कीपिंग ठीक नहीं करते हैं तो उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं, लेकिन जब ऐसा बैटिंग करके मैच जिताते हैं और शायद सिडनी में अगर रुकता और एक घंटा तो वो भी मैच शायद हम जीत सकते थे। तो मेरे ख्याल में उसकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है ये सीरीज में। और वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, ये लोग ने दिखाया कि कितना अच्छा टेम्परामेंट है ना। वॉशिंगटन सुंदर नेट बॉलर थे, नटराजन नेट बॉलर थे, वहाँ से वो पूरे वनडे क्रिकेट खेले, T20 क्रिकेट खेले, अब टेस्ट, ये टेस्ट मैच में भी डेब्यू किए। और वॉशिंगटन सुंदर जब बैटिंग कर रहा था ऐसा लग रहा था वो 20 टेस्ट मैच ऑलरेडी खेल चुका है। जो टेम्परमेंट दिखाया है वो पार्टनरशिप शार्दुल ठाकुर के साथ, और शार्दुल के बारे में भी ये कहना चाहूँगा, उसने भी उसको बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है, उसको मौका मिला और वो दोनों हाथ से ग्रैब किया ये अपॉर्चुनिटी। रवि जहीर बात कर रहा हूँ, आपने सही कहा कि बहुत सारे इंजरीज भी हुए, कुछ प्लेयर अवेलेबल भी नहीं थे बड़े बड़े, तो एक अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट देखने मिला। तो ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट के बारे में कुछ चर्चा हुई है या ये बेंच स्ट्रेंथ का या अभी ये नई पीढ़ी का कॉन्फिडेंस आप कहोगे, क्योंकि जब आपके पास दिग्गज खिलाड़ी ना हो और उसके बाद आप इस तरीके से जीत हासिल करो तो ये मतलब सिर्फ खेल के कुछ आगे जाती है बात, तो उस संदर्भ में कुछ बताया जरा। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये जो सीरीज में जो काम किए है लड़कों ने, बहुत ही बड़ी सीरीज है, कभी भूलेंगे नहीं। मेरे को लगता है क्रिकेट वर्ल्ड भी नहीं भूलेगा ये बहुत समय के लिए, जितना देर क्रिकेट खेला जाएगा ये सीरीज कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि हमारे लड़के 6 महीने क्वारंटीन में थे। कोई कोई लोग जो मेट्रोज में रहते थे वो फ्लैट से भी नहीं निकले बाहर, और जो क्रिकेट खेला वो सिर्फ IPL क्रिकेट खेला। ऑस्ट्रेलियंस, न्यूजीलैंडर्स, वो जून से वो पार्क में घूम सकते थे, अपने ट्रेनिंग कर सकते थे, एज अ टीम भी खेले अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके बावजूद इधर आके ऐसा परफॉर्मेंस करना मानने वाली बात है। और जब हमारे मेन बॉलर्स सब इंजर्ड है, क्योंकि ये जो सेल्फ बिलीफ है ये टीम में कि एक बार बाउंड्री लाइन क्रॉस किया, 11 का 11 को पता है कि वो इंडिया का बैच के लिए खेल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। या जय, लगता है कि आज ऋषभ पंत को आपको बताना होगा कि ऋषभ तुला मानला। हाँ, बहुत अच्छा खेला, ऐसा अगर मैच जिताएगा एंड में भी अपना कंपोजर रख के, बहुत ही बड़ी बात। थैंक यू रवि सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आपकी पूरी टीम को।